नमस्ते भुवनातिहराय नमः क्षितितलामलभूषणाय नमस्ते जगत परमेश्वराय नमो जिनभवोदधिशोषणाय नमो जिनभवोदधिशोषणाय परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में समर्पित नमन। श्रवण भगवान महावीर को नमन करते हुए आज के इस संवत्सरी महापर्व को हम मना रहे हैं। आज का ये दिन जैन समाज के लिए स्पेशली कहा जाता है, ये महास्नान का दिन है। जिसे महाकुंभ में महाकुंभ स्नान जैसे हिंदू परंपरा में प्रसिद्ध है, जो लगभग 12 वर्षों में एक बार होता है और हजारों लाखों की संख्या में साधु संन्यासी भी पहुंचते हैं, जनता भी समाज भी पहुंचता है और नदियों में जो पवित्र नदियां मानी जाती है उसमें स्नान करते हैं। मध्य प्रदेश में क्षिप्रा नदी मानी जाती है, उज्जैन में जहाँ की ये महाकुंभ का मेला लगता है, और कई सन्यासी जो हैं उस स्नान को करके ये महसूस करते हैं कि उनके कर्म नष्ट हो जाते हैं, उनके उनको शीघ्र मोक्ष प्राप्त होता है। ये महाकुंभ का स्नान जैन धर्म में, चूंकि पानी का उपयोग करना एक तरह से हिंसा मानी जाती है, इसलिए जो स्नान भी किया जाता है वो आध्यात्मिक स्नान किया जाता है। पानी से तो हमारे शरीर की शुद्धि हो सकती है, कपड़ों की शुद्धि हो सकती है, थोड़ा मन फ्रेश हो जाता है, किंतु आत्मा की शुद्धि करना उसके लिए कुछ अलग प्रयास करना पड़ता है। एक बार श्री कृष्ण की जी के पास में पांचों पांडव आते हैं और उनके मन में बड़ी ग्लानि होती है। महाभारत का युद्ध संपन्न हो गया, 18 दिनों तक वो युद्ध चला, लाखों लोग 1 लाख से अबव लोग मारे गए उस युद्ध में। बड़े बड़े जो भारत के बड़े विद्वान विद्याधर ज्ञानी जो व्यक्ति थे वो उस युद्ध में मारे गए थे। बहुत बड़ा नुकसान एक तरह से देश का हुआ था, किंतु उस युद्ध के को करने के लिए विवश होना पड़ा था पांडवों को। भाइयों ने, कौरवों ने उनके प्रति जो अन्याय किया था उस अन्याय का उत्तर देने के लिए और अपना अधिकार पाने के लिए उन्हें वो युद्ध लड़ना पड़ा। कहा जाता है कि वो अधर्म पर धर्म की विजय थी, सत्य पर असत्य पर सत्य की विजय थी, बुराई पर अच्छाई की विजय के लिए वो युद्ध लड़ा गया था। परंतु युद्ध तो लड़ लिया, युद्ध जिनके साथ किया गया वो खुद के ही भाई थे, कजिन ब्रदर्स थे सारे कौरव, बड़े पिताजी के बेटे थे सारे पांडवों के। और इतना ही नहीं, उनके गुरु जो थे, उनके जो दादा जिनको भीष्म पितामह कहते हैं, जो पांडवों को बहुत प्रेम करते थे, उनका हमेशा ध्यान रखते थे, उनको भी उनको मारना पड़ गया उस युद्ध में। तो उनको बड़ी ग्लानि थी कि हमने अपने गुरु को, अपने दादा को, अपने ही कजिन ब्रदर्स को अपने ही हाथों से मारा है। तो इस राज्य को लेने के लिए या कोई भी कारण से हमारा आपस में जो संघर्ष हुआ है, पर वो संघर्ष बड़ा एक तरह से रक्तपात को लेकर के आया है ना, अपने ही परिवार के लोगों के विरुद्ध हमको शस्त्र उठाना पड़ा, इस बात को लेकर बड़ी ग्लानि थी भीतर में पांडवों के। तो श्री कृष्ण के पास में वह आते हैं और कहते हैं कि श्री कृष्ण, हमें बड़ी ग्लानि है, हम इसका प्रायश्चित करना चाहते हैं। जब कभी हमारे से कोई दोष होता है तो हम उसकी आलोचना करते हैं, उसकी शुद्धि के लिए प्रायश्चित लेते हैं। तो वर्तमान का संवत्सरी का दिन इसी के लिए स्पेशल है कि वर्ष भर में हमारे जो भी दोष हुए हैं, जो भी प्रमाद हमने किया है, जो भी मिस्टेक की है, जो भी व्रतों और नियमों का अतिक्रमण किया है, उसकी हम आलोचना करते हैं और प्रायश्चित करते हैं और अपनी शुद्धि करते हैं। तो श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, तुम्हारे मन में ग्लानि है, ये बहुत अच्छी बात है, होनी भी चाहिए, किसी भी कारण से आपस में संघर्ष हो जाता है, किंतु लड़ना झगड़ना हिंसा करना ये तो पापी होता है, प्रायश्चित करना भी चाहिए।
तो आप लोगों ने क्या सोचा है, किस तरह से प्रायश्चित करना चाहते हो, क्या करना चाहते हो प्रायश्चित के रूप में? तो बोले जितनी भी पवित्र नदियां उसमें स्नान करना चाहते हैं, जितने तीर्थ हैं उनकी यात्रा करना चाहते हैं। श्री कृष्ण ने कहा कि ठीक है, जो तुमने सोचा एक बार वो कर कर सकते हो, उससे तुम्हारा मन हल्का होता है, आत्मा शुद्ध होती है, प्रायश्चित तो होता है, तो भी वो भी तरीका अपनाना चाहिए। तो श्री कृष्ण ने एक अपने पास में एक तुम्बी थी, उस तुम्बी को भी साथ में दिया कि आप लोग ये भी लेके जाइए साथ में, जहाँ स्नान करो हमारी तुम्बी को भी करवा के ले आना, क्योंकि तुम्बी बड़ी स्वाद में कड़वी होती है और जहरीली होती है, तो थोड़ा इसकी कड़वाहट भी कम हो जाए, तुम्हारी अंदर की कलुषता कम हो और सांस में इस तुम्बी का कड़वाहट भी कम हो जाए। कहीं पवित्र नदियों का, तीर्थों का दर्शन करने से भीतर का इसका भी शोधन हो जाए। तो लेकर के चले गए पांडव, और देखा कि जो जहां जहां वो गए वहां स्नान तो किया, साथ में उस तुम्बी को भी स्नान करवाया, डुबकी लगा दी, स्वयं ने अगर एक बार लगाई तो उसको 3 बार लगा दी, कोई दिक्कत नहीं है। जब वापस लौटे तो श्री कृष्ण जी ने पूछा कि बताइए तुम्हारे तुमने जो तुम्बी दी थी कैसा लग रहा है तुमको? बोले अब तो बहुत हल्के लग रहा है, प्रायश्चित तो थोड़ा कर लिया, तीर्थों में जाकर के भगवान की भक्ति की, भजन किया, उससे हमारा कुछ शुद्धिकरण हो गया, और थोड़ा बहुत नदियों में स्नान करने से पवित्र कहा जाता है ना, गंगा में स्नान करने से पाप धुल जाते हैं, तो हमें थोड़ा लग रहा है कि कुछ शुद्धिकरण तो हो ही गया है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि मैंने जो तुम भी दी उसको तो कुछ कराया कि नहीं, कि उसको भूल गए? नहीं, नहीं बोले, एक बार हमने डुबकी एक बार लगाई तो उसको 3 बार लगवाई, इसलिए आप उसकी तो चिंता ना करें, आपकी बात को तो हम इग्नोर कर ही नहीं सकते, उसकी अवमानना नहीं कर सकते हैं, उसको उपेक्षा नहीं कर सकते हैं, हमने पूरी तरह से उस तुम्बी को अच्छी तरह से हर पवित्र नदी के स्नान से बहुत अच्छे से उसको धोया है, उसके जो भी अंदर में हो सकता है कुछ परिष्कार हो गया हो। श्री कृष्ण जी ने तुम्बी का टुकड़ा निकाल करके जैसे ही मुंह पे रखा तो टेस्ट में कोई फर्क नहीं था, जो कड़वाहट पहले थी वही अभी है, कुछ फर्क नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि ये क्या है, इस तुम्बी में तो कुछ परिवर्तन नहीं हुआ। तो उन्होंने कहा कि आप किस तरह का परिवर्तन चाहते थे? बोले इसमें कड़वाहट बहुत थी, इस कड़वाहट को कम होना चाहिए था, तुम्हारे अंदर जैसे जब शुद्धि हुई तो इसकी भी तो शुद्धि होनी चाहिए थी। तो उन्होंने कहा ये तो बात आप समझने की बात है, आप तो भगवान है स्वयं, है ना, आप तो जानते ही है कि पानी से बाहर का मल साफ हो जाता है, अब भीतर की कड़वाहट कैसे जाती है? उसको तो थोड़ा उबालो फिर उसको प्रेस करो तब थोड़ी कड़वाहट बाहर निकलती है, परंतु ऐसे सिंपल पानी से कड़वाहट नहीं जाती है। तो श्री कृष्ण जी ने कहा यही मैं तुम्हें समझाना चाहता है ना, स्नान करने से अगर हमारा शरीर शुद्ध हो सकता है, आत्मा शुद्ध नहीं बनती है। उसके लिए तो तुम्हें थोड़ा तप करना पड़ेगा, थोड़ा प्रायश्चित तो उस तरह का करना होगा जिससे कि आत्मा का वास्तव में शोधन होता है। तो आज का ये संवत्सरी महापर्व आध्यात्मिक स्नान का पर्व है, आत्मा के शुद्धिकरण का पर्व है। स्नान करना है किंतु पानी से नहीं, तप से करना है, स्वाध्याय से करना है, जप से करना है, प्रायश्चित करके करना है। तो जब तक हम इस तरह की तप प्रक्रिया को, प्रोसेस को, आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल प्रोसेस है उस प्रोसेस को फॉलो प्रॉपरली नहीं करेंगे, तो आत्मा का शोधन नहीं हो सकता है। शरीर का हो सकता है, मन आपका फ्रेश हो सकता है, थोड़ा ठंडक शरीर में हो सकती है, उससे मन प्रसन्न हो जाए, थोड़ा पॉजिटिव बन जाए, ये पॉसिबल है, बट उससे आत्मा की शुद्धि नहीं होती है। आत्मा की शुद्धि के लिए आज का ये पर्व हमारे लिए विशेष प्रेरणा देने के लिए है कि किस तरह से आत्मा की शुद्धि की जा सकती है और किस तरह से परिष्कार किया जा सकता है। जैन धर्म में आत्मशोधन के लिए बड़ी प्रेरणा दी जाती है और कहा जाता है कि कम से कम आप सुबह और शाम 2 टाइम प्रतिक्रमण कर ले, 48 मिनट 48 मिनट, आपके 24 घंटे के जो पाप है उनको आप दूर कर सकते हैं। अगर वो टाइम आपको नहीं मिलता है तो 15 दिन में एक बार कर ले, तो 15 दिन के एक साथ ही जो है अकाउंट क्लियर हो जाता है, क्लीन हो जाता है। वो नहीं टाइम मिलता है तो चतुर्मास में कर लीजिए,
महीने वर्ष में 4 बार, 3 बार चतुर्मास का समय आता है, चौमासी पक्की आती है, तो 4 महीने का एक साथ ही अकाउंट क्लियर कर लीजिए। इतना तो टाइम हो गई, 4 महीने में किसी दिन तो मिलता है एक दिन, और वो भी नहीं होता है तो संवत्सरी को जरूर अपना अकाउंट क्लियर कर ले। कोई बैलेंस नहीं रखे, यूं तो आपको बैलेंस चाहिए थोड़ा बहुत अपने अकाउंट में, पर इसमें तो ये संवत्सरी महापर्व तो कहता है कि बैलेंस रखना ही नहीं, पूरा क्लियर खाता कर देने, नया अकाउंट नहीं डालने का और पुराना अकाउंट पूरी तरह से क्लोज करने का है। सो अकाउंट क्लोज करने का टाइम है आपका, नया अकाउंट क्रिएट ना करें ये तो अच्छी बात है। उसके लिए संकल्पित होने का है कि नया अकाउंट हमको क्रिएट नहीं करना है, पुराने अकाउंट को क्लोज कर देना है, उसमें किसी प्रकार का कोई बैलेंस नहीं रखना है। और कोई यदि संवत्सरी को भी कहते हैं कि अगर ध्यान नहीं देता है और प्रतिक्रमण नहीं करता है तो, और स्पेशली उस व्यक्ति से जिसके साथ उनका मनमुटाव रहा है, संबंध अच्छे नहीं रहे, कोई डिस्प्यूट हो गया है, कहीं कुछ फाइटिंग हो गई है, कुछ भी इस तरह की बात आपस में हो गई है, तो उसके कारण से मन में जो अप्रियता का या कोई बुरा भाव या विचार जो भी रहा है उसको अगर आपने उस दिन क्लियर नहीं किया तो कहा जाता है कि न तो आप सम्यक दर्शन ही रहते हो, न श्रावक रहते हो, न साधु बनने के अधिकारी रहते हो। इसलिए संवत्सरी महापर्व का प्रतिक्रमण करना और 84 नाग जीवा होने से क्षमा याचना करना, ये आज के दिन का बहुत महत्वपूर्ण बिंदु है जिस पर हमें ध्यान देने की आवश्यकता है। संवत्सरी महापर्व जो है विशेष रूप से आत्मशुद्धि का एक संदेश लेकर के आता है, साथ साथ में ये एक प्रकार से हमारी मनोकायिक बीमारियों का एक इलाज भी है। बहुत सारी बीमारियां क्यों होती है, डॉक्टर साहब हमारे यहाँ एक नहीं दो बैठे हैं और भी हो सकते हैं, बट बहुत सारी बीमारियों का जड़ क्या है, हमारे अपने इमोशंस है ना, एग्रेसिव जो इमोशन होते हैं, नेगेटिव जो इमोशन होते हैं। सो मेडिकल साइंस का ये स्टडी बताते हैं कि 95% बीमारियां साइकोसोमेटिक कहलाती है, जो हमारी अंदर में मन में हमारे कोई नेगेटिविटीज हैं, किसी तरह की जेलसी है, कोई बुरा विचार है, कोई तरह का क्रोध वगैरह कशाएं हमारे अंदर तीव्र रूप में है, तो उसका प्रभाव हमारे शरीर पर पड़ता है और वो अनेक बीमारियों का रूप लेता है। सो इसलिए जो साइकोसोमेटिक डिजीज होती है उनको क्लियर करने का ये समय है, शरीर को भी स्वस्थ रख सकते हैं, तपस्या करते हैं उससे भी शरीर का शोधन होता है। 8 दिन तपस्या कर ले, कहते हैं कि पूरे वर्ष भर आप स्वस्थ रह सकते हैं, क्योंकि शरीर की सारी गंदगी जो है वो 8 दिन के तप से बाहर निकल जाती है, डिटॉक्स हो जाता है, बॉडी डिटॉक्स हो जाती है पूरी तरह से। लोग डिटॉक्स के लिए दूसरे दूसरे तरह के प्रयोग करते हैं, उसमें तो पाप भी लगता है सपोज, तो हिंसा भी होती है, उन प्रयोगों को काम में न लेकर के अगर तपस्या की जाती है तो मेरा तो बड़ा विश्वास है कि उपवास कर ले, सप्ताह में एक दिन एक आसन भी कर ले तो हमारी बॉडी काफी कुछ क्लीन रहती है, डिटॉक्स हो जाती है। और ये स्पिरिचुअल तरीका है, दिस इज द स्पिरिचुअल टेक्नोलॉजी टू डिटॉक्स बॉडी डिटॉक्स। सो ये बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए तप बहुत बड़ा काम करता है, इससे यानी शरीर के अंदर के जो विकार हैं वो बाहर निकल जाते हैं, एसिड शरीर में बनता है, हम भोजन एक दिन नहीं करते हैं तो वो एसिड हमारे शरीर की गंदगी को अंदर में कंज्यूम कर लेता है, उसको बर्न कर देता है, उससे शरीर अपने आप शुद्ध हो जाता है। तो इसलिए तपस्या के द्वारा सहज शरीर का शोधन होता है। आयुर्वेद की दृष्टि से भी ये माना जाता है कि शरीर को शुद्ध करने के लिए उपवास सबसे बढ़िया होता है, और वो कोई आयुर्वेदिक मेडिसिन देने से पहले ये देखते हैं कि अगर इसके स्टमक में कोई प्रॉब्लम है तो पहले उसको क्लीन करना जरूरी है, तो उपवास करवाना फिर बाद में मेडिसिन देने से फायदा होता है। अंदर में अगर गंदगी पड़ी रहे और बाहर से आप दवाई लेते रहे तो वो दवाई उतना वर्क नहीं करती। इसी तरह से आत्मा के बारे में ही, हमारे भीतर के अंदर कषाय अगर विद्यमान रहते हैं, हम बाहर से धार्मिक क्रिया करते हैं, वो करते हैं वो बहुत अच्छी है, उतने समय के लिए तो अच्छी है जितने समय आप उसमें एंगेज है, किंतु उसके साथ साथ में आपको भीतर का शोधन भी करते रहना जरूरी है। कहा जाता है एक गांव में कुआं था मीठे पानी का, यहाँ तो आपके फिल्टर पानी आता है, आपने मीठा और खारे पानी का टेस्ट आपको शायद पता ना हो, परंतु राजस्थान के लोग बहुत अच्छी तरह से जानते,
वहाँ का जमीन से जो पानी निकलता है वो बड़ा खारा पानी होता है, इसलिए उसको कहते हैं बाकल पानी, है ना, बाकल वाटर। और जो कहीं कहीं कुछ कुएं होते हैं जिसमें मीठा पानी होता है, या फिर बारिश का जो पानी होता है उसको झेला जाता है, उस एक स्टोर बनाया, वाटर स्टोर बनाया जाता है नीचे जमीन के अंदर मकान में, और उस जो बारिश का पानी होता है उसको स्टोर करके पूरे वर्ष भर उसी से खाना पकाया जाता है, उसी को पिया जाता है, और वो स्टमक के लिए बहुत अच्छा भी होता है, हेल्दी वाटर होता है। यहाँ तो लोग सोचते हैं कि नहीं ये नेचुरल वाटर जो है इसमें कुछ बैक्टीरियाज होंगे, ये होंगे, वो होंगे, कई तरह के केमिकल्स मिला देते हैं, तो जो वाटर का नेचुरल एलिमेंट्स है, वो इंग्रेडिएंट्स है, वो भी खत्म हो जाते हैं। बट जो नेचर से आता है वो पानी सबसे बेटर पानी होता है, स्टमक भी अच्छा रहता है, कपड़ों की धुलाई भी बहुत जल्दी होती है और साफ कपड़े धुलते हैं, और शरीर जो खाने में भी जो भोजन पकाते हैं उसमें भी टेस्ट रहता है। तो राजस्थान में जो है उसको पालर पानी बोला जाता है, पालर पानी, है ना, खारा पानी और पानी बाकल पानी, ये दो तरह का, पालर और बाकल पानी, ये दो तरह का पानी होता है, तो लोग वहां पर पालर पानी को यूज करते हैं पीने में, खाने में, और कभी कभी जरूरत पड़ती है तो कपड़ा धोने में। सरफ कम लगता है और झाग ज्यादा हो जाता है उस पानी से, तो थोड़ा सर्फ का भी कम यूज होता है। तो ये पानी से शुद्धिकरण होता है और पानी पीने के लिए बहुत ही हेल्दी होता है, और स्पेशली जो कुएं का पानी भी होता है या आकाश से गिरने वाला, ये दोनों पानी बड़े हेल्दी वाटर होते हैं। जो कुएं के अंदर आता है वो जमीन के नीचे से निकलता है, तो वो अपने आप फिल्टर होकर के पानी आता है, इतनी जमीन से नीचे नीचे से निकलता है, तो इतनी मिट्टी के परतों को छेद करके ऊपर आता है, तो वो फिल्टर्ड अपने आप ही होता है ऑलरेडी। सो उस पानी का कुआं एक ही था, तो गांव के लोगों को इनने देखा कि उस पानी में कुछ बदबू हो गई है बहुत ही, और एक ही कुआं है जिससे पानी निकलता है, मीठा पानी मिलता है, पीने का पानी मिलता है। अब गांव के लोग उस प्रॉब्लम में आ गए कि अब पानी कैसे पिए, कुआं भी एक वो भी पीने का, और अब पीने की बड़ी प्रॉब्लम आ गई है। एक सन्यासी आए हुए थे गाँव में, और कहते हैं कि उनके मंत्र देने से जो कुछ भी प्रयोजन हो, कार्य हो, सिद्ध हो जाते हैं, तो लोगों ने उनके पास में जाकर के कहा कि आप कुछ उपाय दीजिए, कुछ मंत्र दीजिए, पानी हमारा बहुत गंदा हो गया है, स्मेल कर रहा है, और पीने की बड़ी प्रॉब्लम हो गई, क्राइसिस हो गई है हमारे लिए। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं अपना गंगा जल देता हूँ, तुम कुएं में डालो और पानी स्वच्छ हो जाएगा। दिया पानी बाहर बैठ निकाला, किंतु तो पानी में तो वही स्मेल आ रही। उन्होंने, बाबा जी ने कहा कि मेरा जल इस तरह से कभी भी फेल नहीं होता है, इसका इफेक्ट होता है, तो पहले ये देखो कि कुएं के अंदर क्या चीज ऐसी है जो कि नई सरांध पैदा कर रही है। तो मैं डाल रहा हूँ तो पुराना पानी स्वच्छ हो गया होगा, परंतु अगर वो कोई गंदी चीज है, उसमें कोई डेड बॉडी है, उसके कारण से नई स्मेल क्रिएट होती है, तो उसके कारण से पानी आपका जो है स्मेल बनी रहेगी। तो देखा नीचे अंदर में उतर करके, कुआं बहुत गहरा था, तो कुछ तरीके से उतर करके देखा गया कि वहां पर कुत्ते के चार जो छोटे छोटे बच्चे होते हैं वो उसके अंदर गिर गए थे, और उनकी बॉडी जो है अंदर से सड़ने के कारण से स्मेल कर रही थी। उन्होंने कहा कि देखिए, जब तक इन पिल्लों को बाहर नहीं निकालोगे तो मेरा जल कितना भी डाला जाए उससे कुछ नहीं होना है। पिल्लों को बाहर निकाला गया और फिर जल डाला गया, पानी शुद्ध हो गया, मंत्रित जल था और सन्यासी का अपना प्रभाव था मंत्रों का। तो इस कहानी से ये कहा जाता है कि हमारे अंदर भी इस तरह के चार पिल्ले हैं। कौन कौन से? हाँ, क्रोध, मान, माया और लोभ के चार पिल्ले हमारे अंदर पड़े हैं। इनको जब तक आप बाहर नहीं निकालोगे तो बाहर की क्रिया से कुछ समय के लिए तो आप पापों से बच जाओगे, किंतु हमेशा के लिए नहीं बच पाओगे। वो पिल्ले फिर वापस नई सरांध क्रिएट करेंगे, फिर वही नेगेटिविटीज आपके अंदर, वही एग्रेसिवनेस, वही रिएक्शन, वही डिस्प्यूट, वही जो है रोजमर्रा की बातें, है ना। सो ये सब चीजें तब जब तक पूरी तरह से स्टॉप नहीं होगी, जब तक कि आप उन पर ध्यान नहीं देंगे, भीतर का शोधन नहीं करेंगे। सो भीतर की शुद्धि बहुत आवश्यक है। कहा जाता है दिशा और दृष्टि ये दोनों बदलनी चाहिए, है ना, दिशा और दृष्टि ये दोनों बदलनी चाहिए। आप
जब संवत्सरी महापर्व पर इतनी चीजें सुनते हैं या हम भी आपसे कहते हैं, तो हम सबको इस बात पर विचार करना जरूरी है कि हमने पिछली बार जो संवत्सरी मनाई थी उसमें हमने जो संकल्प किए थे या जो सोचा था कि अब नेक्स्ट बार हम ऐसा नहीं करेंगे, तो क्या वास्तव में हमने ऐसा पालन किया है? अगर वो नहीं किया है तो इस संवत्सरी से भी कुछ खास परिवर्तन आपके लाइफ में नहीं होना है। सो हमें दिशा को चेंज करना है कि हमने जो वही रूटीन अगर हमारा चल रहा है, हमने कुछ अपने में परिवर्तन नहीं किया है, हमारे दृष्टिकोण में भी कुछ बदलाव नहीं हुआ, वही सोच रही है, किसी व्यक्ति को हम देख करके वही सोचते रहे, पहले जिस तरह से नेगेटिव दृष्टि से उसे देखते थे, उसके बारे में कुछ सोचते थे या कुछ कहते थे, आज भी अगर हमारी दृष्टि वही है, वही सोच है, वही हमारा एटीट्यूड है उस व्यक्ति के प्रति, वैसा ही बिहेवियर है, तो फिर हमारे इस तरह के संवत्सरी महापर्व से जो परिवर्तन आने चाहिए, जो एक बड़ा लाभ हमें होना चाहिए, उससे हम बहुत अभी वंचित हो रहे हैं। तो इसलिए हमें दिशा और दृष्टि दोनों को बदलना बहुत आवश्यक है। ये संवत्सरी महापर्व जैसा कि है कि शुद्धि का पर्व जैसा हम समझ रहे हैं, और ये शुद्धि क्यों आवश्यक हो जाती है, क्यों हमें हर वर्ष संवत्सरी महापर्व मनाने की आवश्यकता पड़ती है? हम सब पढ़े लिखे समझदार है ना, और सब कुछ समझते हैं, गलत क्या सही क्या, और अपना डिसीजन लेना जानते हैं कि हमें किस कहाँ अपने आप में चेंज करना है, रोज का ये हर वर्ष का ये 8 दिन का परिश्रम बनाना, ये सब क्रियाकलाप करना, स्वाध्याय इतना करना, ये सब क्यों अपेक्षित है? तो कहा जाता है कि हमारा जो जीवन है एक सामूहिक जीवन होता है, सामाजिक जीवन भी है, हमारा दूसरों के साथ संबंध भी है, चाहे वो बिजनेस के माध्यम से हो, चाहे फैमिली के माध्यम से हो, चाहे हम किसी सभा सोसाइटी में रहते हैं वहां के लोगों के साथ में हो, और विशेष रूप से जो सामाजिक व्यक्ति होता है, उस व्यक्ति का जब संबंध दूसरों के साथ होता है तो उसके अपने कुछ स्वार्थ भी होते हैं, कुछ उसके एक्सपेक्टेशंस भी होते हैं, वो जब फुलफिल नहीं होते तो आपस में मनमुटाव भी होते हैं, प्रियता और अप्रियता का भाव भी हमारे अंदर उत्पन्न होता है, कुछ व्यक्ति हमें अच्छे लगते हैं, कुछ अच्छे नहीं लगते हैं। तो जब प्रियता और अप्रियता का जब हमारे अंदर लाइकिंग और डिसलाइकिंग जब हमारे अंदर होती है, तो साथ साथ में राग और द्वेष भी हमारे अंदर हो जाते हैं। जो चीजें हमें पसंद आती हैं वो हम चाहते हैं कि हमें मिले, और जो चीजें हमें पसंद ना आए या जो व्यक्ति हमें पसंद ना आए, हम चाहते हैं कि जो हमारे से दूर चला जाए, है ना। सो इस तरह के राग द्वेष के हमारे जो अंदर में विचार उठते हैं, उसके कारण से आपसी संबंधों में फर्क पड़ता है, कभी ईर्ष्या हमारे अंदर होती है किसी की प्रोग्रेस को देख करके। हमारे डॉक्टर देवेंद्र भाई कह रहे थे कल कि ज्यादातर जो है ईर्ष्या बहुत देखी जाती है, कोई आगे बढ़ रहा है, चाहे एजुकेशन के फील्ड में बढ़ रहा हो, चाहे प्रोफेशन के फील्ड में बढ़ रहा हो, चाहे अपने लाइफ में बढ़ रहा हो, चाहे उसके पास किसी तरह की प्रॉपर्टी वगैरह पोजिशन, ये सब कुछ चीजें होती है, तो उनको देखकर दूसरे व्यक्ति के अंदर जेलसी हो जाती है कि उसको मिल रहा है मुझे क्यों नहीं, और इसको कैसे डाउन किया जाए, बजाय ये कि मेरे अंदर वो क्वालिटी की कमी है इसलिए मुझे नहीं मिल रहा, तो मुझे अपने अंदर क्वालिटी डेवलप करना है, उस दिशा में उससे सीखना जानना है कि वो क्या तरीके हैं इससे, जिससे कि वो इतना आगे बढ़ रहा हो और मैं पीछे हूँ, तो उससे कुछ सीखने की बजाय हम जेलसी में चले जाते हैं और ये सोचते हैं कि ये भी आगे ना बढ़े किसी तरह से, तो कुछ ऑब्स्टेकल भी क्रिएट कर देते कभी कभी, अगर हमारी पावर चलती है, पॉलिटिकल पावर जिनके हाथों में होती है वो तो स्पेशली इस तरह के काम करते भी रहते हैं। इस कारण से जब सामाजिक हमारा जीवन होता है, कुछ हमारी अपनी आवश्यकताएं भी होती है, नीड भी होती है, और उसकी पूर्ति अगर सही तरीके से नहीं होती तो कभी गलत तरीके भी अपना लिए जाते हैं, क्योंकि वो जरूरत है और उसके बिना काम चलना नहीं है, तो कहीं ना कहीं हम इस तरह से कुछ गलत कर्म भी हमारे द्वारा हो जाते हैं, राग द्वेष भी हो जाते हैं, लाइकिंग डिसलाइकिंग तो हो जाती है हमारे अंदर, और उससे कई तरह की रोग भी हो जाते हैं, शारीरिक मानसिक आध्यात्मिक भावात्मक रोग बीमारियां भी हो जाती है, रिलेशन भी हमारे खराब होते हैं, इन सब चीजों को हम वापस किस तरह से ट्रैक पर लेकर के आए, है ना, राइट मोड पर लेकर के आए, जो कुछ हो गया सो तो कोई बात नहीं, हो भी जाता है, अब 12 महीना तो अपने ऊपर नियंत्रण रखना बहुत मुश्किल होता है, और जब विशेष रूप से जब क्रिटिकल कंडीशन आती है, कुछ ऐसी सिचुएशन क्रिएट होती है जिसमें अपने आप पर नियंत्रण रखना कभी कभी व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता है, और सामाजिक व्यक्ति के लिए कभी कभी यह आवश्यक भी हो जाता है कि उसे क्रोध करना पड़ता है,
दूसरा सामने वाला उसी भाषा में समझता है। सभी लोग हमारी तरह तो नहीं होंगे ना, क्षमा करने वाले या कोई गलत काम नहीं करेंगे या हमारे साथ मिसबिहेव नहीं करेंगे। तो ऐसे लोगों को कभी कभी टिट फॉर टैट का सिद्धांत, यद्यपि दूसरे लोग सिखाते हैं, जैन धर्म सिद्धांत को मानता नहीं है, पर नियंत्रण करने के लिए, परिस्थिति को नियंत्रित करने के लिए कभी कभी व्यक्ति को आवेश में आना पड़ जाता है। परंतु हम ये मानते हैं कि चाहे हम किसी भी उद्देश्य से आवेश करें, कुछ गलत काम करें, करना पड़ जाए, हमारी अपनी विवशता हो, परंतु वो है तो गलत, तो हम उसका प्रायश्चित कैसे करें, उसका शोधन कैसे करें। तो इसलिए संवत्सरी महापर्व जो है इस बात के लिए हमें विशेष प्रेरणा देता है कि आज के दिन हम जरूर शुद्धि कर रहे हैं, और दिनों तो कभी कुछ हो भी गया, परंतु आज के दिन हम उस मन में किसी के प्रति कोई द्वेष भाव ना रखें, किसी को बुरा समझने की कोशिश न करें। माइंड प्री कंडीशनिंग जो हमारे दिमाग के अंदर है पहले से, उसके प्रति हमारा जो परसेप्शन है उसको भी थोड़ा हम बदलने की कोशिश करें। हो सकता है कि वो वैसा ही हो जैसा था वो, किंतु तो आपके परसेप्शन से हो सकता है उसमें कुछ चेंजेस आ जाए। कभी कभी अच्छे इंसान को देख करके बुरे इंसान भी बदल जाते हैं। तीर्थंकरों की परिषद में सांप भी आता है, नेवला भी आता है, शेर भी आता है, बकरी भी आती है, किंतु आपस में बैर घुल जाते हैं। क्यों? क्योंकि तीर्थंकरों का आभामंडल इतना पवित्र होता है, इतना निर्मल होता है, उनके अंदर की जो अहिंसक चेतना का इतना एक प्रभाव होता है आसपास के वातावरण के ऊपर, जिससे कि शत्रु भी 12 योजन तक कहा जाता है कि आक्रमण नहीं करते हैं। भगवान जहाँ विराजते हैं उसके आसपास 12 योजन की भूमि पर कोई शत्रु राजा भी अटैक नहीं करता है, कोई महामारी नहीं होती है, पैंडामिक नहीं आता उनके आसपास में कहीं, और कोई तरह का अकाल नहीं होता है, दुष्काल नहीं पड़ता है, बारिश नहीं रुकती है, प्रकृति भी अपना पूरा काम व्यवस्थित रूप से करती है। और कोई अगर शत्रु आ जाते हैं, मीन्स प्राणी जो सांप और नेवला जो आपस में शत्रु माने जाते हैं, और इसी तरह से शेर और बकरी आपस में रहना बैठना बहुत मुश्किल है, या शेर और हिरण का आपस में बैठना बहुत मुश्किल है, तो उस कंडीशन में भी वो भी अपना बैर भूल जाते हैं। अहिंसा प्रतिष्ठायां तत्सन्निधौ वैर त्यागः, ये पतंजलि का एक सूत्र है, पातंजल योग सूत्र का, कि अहिंसा जब अंदर में हमारे इतनी गहरी आत्मसात हो जाती है, हमारा जीवन, हमारा सोच, हमारा व्यवहार जब अहिंसक बन जाता है, वो भीतर से बनता है, केवल ये नहीं कि बाहर से वो नियम ले लिया, भीतर से हमारी चेतना जब इतनी अहिंसक बन जाती है तो उसका वातावरण पर इतना जबरदस्त प्रभाव पड़ता है कि शत्रु भी अपना बैर भूल जाते हैं, है ना, हिंसक भी अपनी हिंसा भूल जाता है, तो आक्रमण करने की बात कोई सोच ही नहीं सकता है, प्रकृति भी अपना रुख चेंज कर देती है, अकाल होना है तो वो अकाल नहीं करेगी, दुष्काल नहीं पड़ेगा, किसी तरह की महामारी नहीं होगी, सो नेचर नेचुरल कैलिमिटीज भी नहीं होगी उनकी उपस्थिति में। सो ये अहिंसा की चेतना का इतना बड़ा प्रभाव होता है। तो जितनी हमें आज का ये पर्व हमें इन सब चीजों से अहिंसा को विशेष रूप से अप्लाई करने की बात करता है, अहिंसा को हमारे व्यवहार में भी अहिंसा होनी चाहिए, हमारी सोच में भी होनी चाहिए, हमारे दृष्टिकोण हमारे एटीट्यूड में भी वो होनी चाहिए। सो ये जो पर्व है ये विशेष रूप से आध्यात्मिक इसी दृष्टि से पर्व माना जाता है, और साथ साथ में हमारे स्वास्थ्य के लिए भी ये बड़ा अनुकूल पर्व होता है। हम इस समय बड़ा संयम का परिचय देते हैं, चीजों का द्रव्यों की बड़ी सीमा रखते हैं, अंतिम परीक्षण के दौरान कई लोगों ने कितनी तपस्याएं यहाँ पर हुई है, सिद्धि बहन ने 16 के तप का किया है, विदित ने 9 की तपस्या की है, छवि और संजय और विरल भाई इन्होंने 28 का तप का अनुष्ठान किया है, देवेंद्र भाई ने हमारे पहले ही शुरुआत कर दी थी तप का, उन्होंने 28 का तप किया है, धीरेंद्र भाई की 28 की तपस्या है, और इसके अलावा भी कुछ लोग हैं, ऋतु ने 28 की तपस्या की, जबकि उनका स्वास्थ्य अनुकूल नहीं है, फिर भी बोले कि नहीं मुझे 28 की तप पूरा करना ही है। स्मिता बहन ने तप जो है अशोक भाई की जो साली आई हुई है इंडिया से, उन्होंने भी 28 का तप किया है, कैलिफोर्निया से एक श्वेता है उसने भी 28 का तप किया, 24 28। हाँ सो उसको आज बहुत ही हीट हो रहा था, तो उसको कहा कि देखो इस तरह से करने से ठीक रहता है,
उसने चोबियार का तप किया है। सुनीता जी हुए जो वराले से, उन्होंने 28 की तपस्या की है, 11 की तपस्या की है, 11 और कई तेले किए हमारे चंदन वाला के तेले भी, नैना बेन्ने तेला किया, बिना बेन्ने तेला किया, और शैलिक तेला, और कोई किसी ने किया था, देवेंद्र भाई ने तेला किया था, 28 करने के बाद तेला किया। सो ये तप के बहुत अनुष्ठान हुए हैं, और 6 दिनों से 8 दिनों से हमारे बिंदु बहन है, मेनका बहन है, दादी है, तो आज उपवास है, 7 दिनों से एकासन है उनके। हाँ, फर्स्ट उपवास किया, लास्ट उपवास किया, और 6 दिन एकासन किए। भावना बहन ने भी इसी तरह से आज उनके फर्स्ट और लास्ट उपवास किए, और 6 बीच में एकासन किए, भावना बनी बड़ा अवेलेबल है। सो कहने का मतलब है कि बहुत लोगों ने तप के अच्छे अनुष्ठान किए हैं, इस सब से आत्मा का शोधन होता है। हम आत्म शुद्धि के लिए ही सब कुछ करते हैं, शरीर हमारा मेन कंसर्न नहीं, हमारी आत्मा। आत्मा शुद्ध हो जाए तो उसको रोग किस लिए होते? डॉक्टर राज ने भी किया तेला। हाँ, डॉक्टर राज ने भी तेला किया, और मेरे ख्याल से विजय ने भी किया है तेला। सो ये 4-5 चंदन वाला के तेले भी लगभग हो गए हैं। पहली बार चंदन वाला का तेला शायद किया कामल है, जी कानमल ने भी किया। जी ने तपस्या की है, और सुमेर, क्या नाम, सुमेर नाम है ना, बीना जी के हस्बैंड का नाम समीर, समीर, उन्होंने 2 महीने का लगभग एकांतर तप किया है, और काफी तपस्या अच्छी की। विरल भाई की भी मेरे ख्याल से एकांतर तो चल ही रहा है, नहीं उसके बीच में आज 28 है। सो काफी तप का अच्छा अनुष्ठान सभी लोगों ने किया है, और कुछ सब मुझे पूरा मालूम नहीं है, पूरा ब्योरा कुछ लोग और बाकी होंगे। सो कहने का इतना ही मतलब है कि तप का जो अनुष्ठान किया जाता है वो आत्मशुद्धि के लिए किया जाता है। जब कर्मक्षय हो जाता है तो उसको तो कोई रोग होना ही नहीं है, रोग भी समाप्त हो जाता है उसका अगर है तो जल्दी से। सो कर्मक्षय से जो है अपने आप ही रोग भी नहीं होते हैं, कोई शारीरिक मानसिक भावात्मक कोई तरह की बीमारी नहीं होती है जल्दी से, और विघ्न और बाधाओं का निवारण होता है। तप के आगे कोई शक्ति काम नहीं करती किसी के प्रति। कभी कभी कुछ लोग होते हैं उनके पूर्व जन्म के कुछ वैर विरोध होने के कारण से कुछ प्रेतात्मा के रूप में उनके पीछे प्रभाव, उनके ऊपर प्रभाव होता है, किंतु तो अगर वो तपस्या कर ले तो प्रेतात्मा का भी बल नहीं चलता है ना। मंत्र जाप कर रहे हो तो प्रेतात्मा कुछ नहीं कर सकती है। सो ये जो इविल पावर्स होती है, इनकी पावर धर्म के आगे नहीं चलती है। वो जो धर्म करता है उसके आगे किसी की ताकत नहीं, न ग्रहों की ताकत है, न ही विल पावर्स की ताकत है, न किसी जल्दी से किसी इंसान की पावर चलती है। सो धर्म इसीलिए कहा जाता है कि धर्म की जड़ हरी भरी होती है, यानी उससे तो हमेशा जीव का कल्याण ही होता है, उसका शुभ ही होता है, उसका मंगल ही होता है। इसलिए ये संवत्सरी महापर्व धर्म की आराधना का विशेष पर्व है। पूरे दिन सुबह से शाम धर्म की आराधना की जाती है, लोग सुबह से आ जाते हैं, आज हम देख रहे हैं करीबन 10-11 पौषध हो गए हैं, शाम तक और भी कुछ पौषध होंगे, कुछ लोग अभी घर पे हैं पर उनको वो भी हो सकता है प्रवचन सुन रहे होंगे और यहाँ पर आकर के प्रतिक्रमण और पौषध करेंगे, हैं 25 लोग जुड़े हुए हैं करीबन। सो कहने का इतना ही मतलब है कि तपस्या के द्वारा आत्मा का शोधन होता है। 10वें कालिक सूत्र में भगवान महावीर ने कहा है, नन्नथ निचरठाई, तुम कोई भी धर्म की आराधना करो, तुम्हारा एकमात्र उद्देश्य कर्म का शोधन होना चाहिए, आत्मशुद्धि होना चाहिए। ये सबसे बड़ा गोल है लाइफ। इस गोल को अगर कोई ने अचीव कर लिया तो बाकी तो छोटे गोल है, वो तो आप अपने आप अचीव कर लेंगे, उसके लिए आपको कोई विशेष मेहनत, उस पर फोकस करने की कोई आवश्यकता नहीं है। सो हमारे जो इस तप के अनुष्ठान के द्वारा आत्मा का शोधन होता है, शरीर का भी शोधन होता है, साथ साथ में तेजस शक्ति बढ़ती है। हमारे देवेंद्र भाई का ही कहना है कि हम मास्टर इतने भी धार्मिक अनुष्ठान या तपस्या इत्यादि करते हैं तो तेजस शक्ति का अगर विकास होता है तो उसको साइंटिफिकली चेक किया है, उसकी स्टडी की जा सकती है, उस पर एक्सपेरिमेंट करके उसकी उसमें तेजस में क्या फर्क पड़ता है। हमारे अंदर की जो तेज शक्ति होती है जिसको तेजस शरीर कहते हैं, उस शक्ति का क्या प्रभाव होता है, किस तरह से वो परिवर्तन करती है भीतर में, उसको एक तरह से साइंटिफिक मेथड से जाना जा सकता है। तो कहा जाता है कि जब तप करते हैं तब हमारा तेजस शरीर बड़ा पुष्ट होता है, उसकी शक्ति बढ़ जाती है,
और वो तेजस शक्ति, जबकि आप स्पिरिचुअल पर्पस से कुछ चीज करते हो तो वो तेजस शक्ति आत्मशोधन के में काम में आती है। इसलिए ये कहा जाता है कि न लभ्यते आत्मा बलहीनेन, जिसके पास अगर वो तेजस की शक्ति नहीं, वो आत्मा की भी शुद्धि नहीं कर सकता है, क्योंकि तेजस शक्ति के सपोर्ट से ही आत्मा का शोधन होता है। सो जब आप उपवास करते तो आपके अंदर हीट बढ़ती है, आप उसको भले टॉलरेट करते हैं किंतु वो हीट बढ़ती है, एक तरह से तेजस शक्ति का विकास होता है। और वो शक्ति जब आप आत्मा के लक्ष्य से करते हो कोई भी तपस्या या साधना या जप तप, तो वो शक्ति तेजस की आत्मशोधन की तरफ काम करती है, उस तरफ चैनलाइज हो जाती है और वो उस तरह से वर्क करती है। तो आत्मा का शोधन करने में ये तेजस शक्ति काम में आती है, साथ साथ में आपके शरीर में प्रतिरोध, जो रोग प्रतिरोधक शक्ति जिसको इम्यूनिटी सिस्टम कहते हैं, उसको ये बूस्ट करती है। तो जल्दी से बाहर की कोई भी वायरस अटैक नहीं कर सकते आपके ऊपर। तो तेजस शक्ति के रहते हुए आपके अंदर इम्यून सिस्टम जो है वो बूस्ट होता है, एंटीबॉडी क्रिएट होती है, जिससे कि कोई रोग आप पर आक्रमण नहीं कर सकता है। तो ये तेजस शक्ति के द्वारा अनेक चमत्कार भी किए जाते हैं, योगियों के द्वारा जो चमत्कार जितने भी दिखाए जाते हैं ये इस शक्ति के द्वारा ही दिखाए जाते हैं। और ये शक्ति तभी बढ़ती है जब आप तप करते हो, जप करते हो, ध्यान करते हो, स्वाध्याय करते हो, आत्म साधना में लीन रहते हो, तब आप तेजस शक्ति का विकास भी होता है। भोजन से भी होता है, एनर्जी मिलती है, पानी से भी मिलती है, सनरेज से भी मिलती है, और साथ साथ में जो है हवा से भी मिलती है। तो ये भी आपके तेजस शक्ति के स्रोत है जो एक्सटर्नल सोर्सेस है, पर उनसे जो जितनी मिलती है वो तो बड़ी लिमिटेड होती है। स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करने से जितनी होती है वो अलग ही होती है। सो ये संवत्सरी महापर्व, आज का ये पर्व विशेष रूप से अपनी शुद्धि करने का तो है ही, किंतु दूसरों की भूलों को माफ करने का दिन भी बहुत बड़ा दिन है। फॉरगिवनेस एंड फॉरगेटफुलनेस, लोग फॉरगिव तो कर देते हैं किंतु फॉरगेट नहीं करते, ये बड़ी प्रॉब्लम है। वो कहते हैं कि हमने क्षमा तो कर दिया पर मन में जैसे उसको देखते फिर वही विचार आता है, वही भाव आता है, वही बात हो जाती है, वैसे ही व्यवहार हो जाता है। तो इसका कारण है कि आपने फॉरगिव किया किंतु फॉरगेट नहीं किया, है ना? आप भूले नहीं उसको। विस्मृति बहुत बड़ा वरदान है आज के दिन, है ना? याद रखना वरदान जैसे होता है कि आपने कहीं बैंक में अपना पैसा जमा कराया, आप भूल मत जाना उसको, तो नहीं तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाएगी, है ना? बच्चे को स्कूल छोड़ करके आए और भूल जाए तो बहुत मुश्किल हो जाएगी, है ना? सो इसलिए ये तो है कि वो जो चीजें नहीं भूलना है वो तो याद ही रखना है आपको, किंतु जो चीजें भूलने की उसको भी अगर आप याद रखेंगे तो क्षमा पूरी तरह से नहीं होगा। सो क्षमा का विकास करने के लिए जरूरी है कि आप भूलना भी थोड़ा सीखे, कौन सी बातें भूलना है ये जरूर ध्यान रखिए, हर कोई चीजें मत भूल जाइएगा, है ना? सो ये जो उपयोगी है, आवश्यक है आपके लिए, जीवन की का पार्ट है, उसको तो याद रखिए, किंतु किसी के साथ अगर डिस्प्यूट हो गया है, कोई अनबन हो गई है, किसी से कुछ कह दिया है, उससे क्षमा याचना खुद कर लीजिए कि मेरी तरफ से तो मैं अब क्षमा कर लेता हूँ, और अगर उसने किया है तो उसको भूल जाइए। हाँ तो है, हाँ याद तो अब एक कचरा, आप अपने आप को डस्टबिन बनाना चाहते हो कोई बात नहीं, आपकी इच्छा, पर अगर डस्टबिन नहीं बनना है तो कचरे को तो बाहर फेंकने का ही लक्ष्य रखिए, फिर डस्टबिन इतने बाहर क्यों रखते हो? एक एक नहीं दो दो तीन तीन डस्टबिन रखे जाते हैं, तो सारा कचरा ही मत फेंका करो, भीतर का भी कचरा निकाल निकाल करके फेंका दो, ठीक है? सो ये डस्टबिन नहीं बनना है, ये संकल्प आज के दिन करना है कि हमें अपने आप को डस्टबिन नहीं बनाना है, ठीक है ना? एक सुपरमैन बनाना, जो कि आदर आइडियल पर्सन होना चाहिए कि हाँ देखो मैं उन भाई, इनको कुछ भी कह दो ये मन में कुछ नहीं रखते, क्षमा कर देते हैं, भूल जाते हैं, ठीक है ना? तो क्षमा तभी हो सकती है जब हमारे अंदर सहन शक्ति होती है। क्षमा की एक शब्द ये भी, क्षमा शब्द का मतलब सहना, सहना। सामने वाले ने कुछ मिसबिहेव कर दिया, उसको थोड़ा सहना सीखो, हर बात को रिएक्ट क्यों करते हो? हाँ रिएक्ट करोगे तो फिर आपस के संबंध गड़बड़ होंगे, तो थोड़ा सह लो, क्या बात है? अब सबके नेचर तो हमारे मन के अनुकूल हो नहीं सकते, है
ना, भगवान महावीर ने कहा कि न सर्वसंपत्ति इच्छा, आप सर्वत्र अपने मन के अनुकूल अपेक्षा मत करिए कि सब चीजें व्यक्ति भी आपके अनुकूल हो, जॉब भी आपको आपके इच्छा के हिसाब से मिले, कलीग्स भी आपके, वर्कर्स भी आपके अनुकूल सब कुछ हो, ऐसा संभव नहीं होता है इस सृष्टि में। सब फैक्टर्स आपके अनुकूल चले ये तो बहुत मुश्किल है। कोई पुण्यशाली हो उसके ही हो सकता है, तीर्थंकरों के हो जाते, उनके लिए भी कोई आलोचना करने वाले मिल जाते हैं। वैसे भगवान ऋषभ का हुआ था ना, भगवान ऋषभ ने प्रवचन कर रहे थे केवल ज्ञान होने के पश्चात, तो उनसे किसी ने पूछ लिया कि आपकी सभा में कोई ऐसा है जो निकट में मोक्ष जाने वाला है। उन्होंने कहा यस है मेरा पुत्र भरत। तो किसी ने ईर्ष्या ईर्ष्या हो जाती कि देखो भगवान बनने के बाद भी कितना पक्षपात, अपना बेटा वो राजा 6 खंड का मालिक, इतने बड़े साम्राज्य का संचालन करता है, कितने तो युद्ध किए, कितनी तो हिंसा हुई, कितने बड़े साम्राज्य का संचालन, तो कितने क्या क्या पाप नहीं हो कर करते हैं ये, और फिर भी मोक्ष जाएंगे, बड़ी आश्चर्य की बात है। तो ये बात जैसे ही भरत को पता चली कि वो इस तरह की बात कर रहा मेरे बारे में, तो उन्होंने बुलाया कि ठीक है तुम आओ मेरे राज्य में, थोड़ा मेरे से मिलो। बेचारा डर गया, वही चक्रवर्ती भरत चक्रवर्ती, तो गया उनके पास में, बुलाया तो राजा को तो जाना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा कि तुमने ये सोचा ना भगवान ने जो कहा वो बात गलत है, मिथ्या है, ऐसा पक्षपात है, तो ऐसा करो कि मैं तुम्हें एक कटोरा देता हूँ, तेल से भरा हुआ है पूरा, ऊपर तक पूरे शहर के अंदर घूम करके आओ, एक भी बूंद गिर गई तो मेरे 2 राज कर्मचारी नंगी तलवार लेकर के तुम्हारे दाएं बाएं चलेंगे साथ में, जैसे ही बूंद गिरेगी तुम्हारा सिर धड़ से अलग। बेचारा सोचा कि ये तो बड़ा पनिशमेंट है, और बूंद लबालब भरा हुआ जो प्याला है उसको लेकर के चलते हुए छलक जाए, एक भी बूंद गिरना तो स्वाभाविक है, थोड़ा सा भी भरा हो तो भी गिर जाएगी, पूरा भरा हुआ जिसमें कि बिल्कुल स्पेस नहीं रहा है, पूरा फिल कर दिया है। तो परंतु अब राजा के आदेश को तो मानना ही था, पूरे शहर के अंदर घूम गए और आया वापस, तेल की बूंद नहीं गिराई। अब राजा ने कहा कि क्या बात है, तुमने शहर में क्या देखा? बोले कि मुझे तो एकमात्र मौत, उस प्याले के अंदर मौत ही दिख रही थी मुझे। करे हमने तो शहर में कितनी सुंदर व्यवस्था करवाई, जगह जगह नाटक मंडलियां डांस हो रहे थे, प्ले हो रहे थे, है ना, पूरे शहर को इतना हमने तुम्हारे कारण से इतना सजाया संवारा, मंत्र से वो सेंट छिड़काए, इतनी सुगंध फूट रही पूरी सब, इतना सुंदर तरीके से उसको सजाया गया शहर को, तुमने कुछ देखा नहीं? बोले नहीं, मौत के आगे किसको कुछ दिखता है, जब मौत सामने खड़ी हो तो सब कुछ साइड में हो जाता है। भरत ने कहा कि देखो यही मेरे जीवन का भी राज है, मैं हमेशा मौत को देखता रहता, मैं राज्य कर रहा हूं परंतु मुझे मौत दिखती है हमेशा, कि कभी भी मृत्यु आ सकती है, कभी भी मृत्यु आ सकती है, मुझे आसक्त नहीं बनना, आई शुड नॉट बी अटैच्ड, आई शुड नॉट बी इगोइस्टिक दैट आई एम द सो बिग एम्परर वर्ल्ड गवर्नेंस, ये मैं इसलिए मैं इन भावों से हमेशा मुक्त रहता। तो कर्म के बंधन किसको होते, अंदर में राग हो द्वेष हो तो कर्म के बंधन होते हैं ना, थोड़े बहुत अब राज्य का संचालन में एज ए किंग मेरी ड्यूटी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, दैट्स व्हाई आई एम डूइंग ऑल दीस थिंग्स। कांटे ने कहा था ना, ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, अगर आप ड्यूटी की भावना से करते हो, ईगो नहीं करते हो कि मैंने ये किया, मैं ये कर सकता हूँ, मेरे बिना कौन कर सकता है, सो ऐसा कुछ ईगो तुम्हारे अंदर नहीं है, जस्ट ड्यूटी फॉर द सेक ऑफ ड्यूटी, अगर आप कुछ काम करते हो तो कर्म के बंधन बहुत कम होते हैं, वो आपकी जरूरत ही करना पड़ता है, पर मेरे भीतर में भाव नहीं है वो सब कुछ करने का, इससे भाव कर्म का के कारण से जो बंधन होते वो नहीं होते, द्रव्य क्रियाओं से जो बंधन हो रहा है वो द्रव्य कर्म है, भाव कर्म से बंधन जो होता है वो बड़ा हार्मफुल होता है, उसका ड्यूरेशन बड़ा लंबा होता है। सो
इसलिए मैं हमेशा मृत्यु को देखता रहता हूँ। इस वजह से मेरे अंदर वो कोई भाव है ही नहीं, जल्दी से आते नहीं है, तो इसलिए मेरी मुक्ति सहज हो सकती है, सरल हो सकती है। और कहा जाता है अंतर मुहूर्त देने निर्वाण, अंतर मुहूर्त पहले केवल ज्ञान हुआ और अंतर मुहूर्त के बाद निर्वाण हो गया। भरत चक्रवर्ती का शीश महल में हो गया। अब कुछ कहते हैं कि निर्वाण होने के बाद में दीक्षा ली है सर, दिगंबर संप्रदाय का मान्यता है अंतर मुहूर्त में ही हुआ, तो उनको तो साधु वेश धारण की जरूरत ही नहीं पड़ी, कोई विहार करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, आहार करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अंतर मुहूर्त में ही उनको केवल ज्ञान और मोक्ष हो गया। ठीक है, सो कहने का इतना ही मतलब है कि तीर्थंकरों की भी आलोचना करने वाले लोग दुनिया में हैं, तो आप तो किस बाग की मूली हैं ना? आपकी आलोचना क्यों नहीं कोई कर सकता है तो इसलिए बड़े बड़े लोगों की जब आलोचना होती है, अच्छे अच्छे लोगों की, इवन तीर्थंकरों की होती है, तो आपकी क्यों नहीं कोई कर सकता है? सबके मुंह को बंद करना आपके लिए संभव नहीं है, परंतु आप उसे भूलना सीख जाए, है कि चलो उसने कहा तो अगर मेरे में कुछ है तो उसका परिष्कार कर ले, नहीं है तो उसको फालतू समझ करके इस कान से सुना उस कान से निकालो। समरी जी ने एक बार स्टोरी सुनाई ना पुतली की, पहली पुतली बन जाने का, तीसरी इन्होंने तो तीसरी बनने को कहा था आपको, ये तीसरी मत बनना बिल्कुल, आज के दिन तो तीसरी नहीं बनना है, पहली बनना, तीसरी बनना है कब, कि अच्छी जो चीजें हैं उसके लिए तीसरी बन जाना, जो आज का मैसेज है उसको भीतर में उतारना है, किंतु तो दूसरों की बातें कही हुई बातें, अनर्गल बातें, बेतुकी की बातें, उनको एक कान से सुनो दूसरे से निकालो, वो पहली पुत्री है ना, तो वो बनने में कोई दिक्कत नहीं है। सो कहने का यही कि आज के दिन भूलना और उसके लिए सहन करने की शक्ति होना बहुत आवश्यक है, सहन करना। कबीर जी की कहानी सुनाई थी याद है सबको, वो युवक आया था शादी करना चाहता था, कबीर जी ने कहा कि ठीक है तुम बैठो, अभी तुम आए हो इतनी धूप से, थोड़ा दूध पी लो। उस समय चाय का ऑफर नहीं दिया जाता था, दूध का ऑफर दिया जाता था। दूध तो हेल्दी होता है, ये गलत लोग कहते हैं, ब्रिटिशर्स ने, विदेशियों ने सिखाया इंडियंस लोगों को चाय पीना गलत चीजें, ताकि उनका बिजनेस इंडिया, इंडिया वाले को तो यही है ना, बाहर की जो चीजें काम बाहर में तो लोग यूज नहीं करते इतनी जितनी इंडिया यूज करता है, तो उससे मार्केट चलता है ना उनका, उससे इंडिया के लोगों से। सो गलत चीजें सिखा रखी और अब अपनी आदत बन गई। अब उस युवक ने कहा कि ठीक है दूध कहाँ, तो पी लिया दूध, दूध मंगवाया गया, वाइफ ने दूध लेकर के आ गई, दे दिया दोनों को एक एक ग्लास, कबीर जी ने तो पिया घटाघट, हाँ सिप सिप कर कर, लेकिन पीने की आदत नहीं थोड़ा इंडियंस को ना टाइम नहीं रहते किसी चीज में, पी गए बड़े बड़े, बहुत अच्छा दूध लाई हो तुम तो। युवक ने देखा जैसे मुंह पे लगाया, अरे इतना खारा दूध, ना चीनी की जगह नमक डाल दिया बहुत सारा, दूध इतना खारा हो गया उसको पी नहीं सकते, उससे तो जैसे मुंह में लिया तो एक सिप पूरा लिया ही नहीं, उससे पहले ही बाहर जाके थूक आया। देखा कि कबीर जी तो अपनी पत्नी से कह रहे बहुत ही अच्छा किया तुमने, बढ़िया दूध लेके आई हूँ, इतनी लगता है कि साठ ही बुद्धि नाठी, उम्र आने के बाद में दिमाग थोड़ा सा सोच खत्म हो जाती है, उल्टा पुल्टा कुछ भी सोच लेते हैं, दूध तो इतना खारा था अच्छा कैसे हो गया। थोड़ी देर बाद कबीर जी ने कहा अपनी पत्नी से, थोड़ा लालटेन जगा दो, लगा लो भाग्यवान, अब आप लोग भाग्यवान तो बोलते नहीं होंगे आजकल बोलना चाहिए भाग्यवान ही, यू आर द लकी लेडी। अरे मैं तो खुश होगी उल्टा कि भैया मुझे लकी कहा। सो उसने कहा कि ठीक है, वो जल्दी से लाटरी ला करके रख दिया उसने जगा करके। अब उस कबीर जी ने, उस युवक ने सोचा कि अब कबीर जी की तो बुद्धि गई जो है वो फेल हो ही रही है उम्र के साथ में, वाइफ भी वैसी हो रही है, उसकी भी बुद्धि नहीं है उतनी। अरे भाई सूर्य इतना तप रहा है, 12 बजे का टाइम, फुल सनलाइट है, प्रकाश ही प्रकाश झोपड़ी के अंदर, फिर क्या लालटेन की जरूरत है, लालटेन करेगा क्या सूर्य के सामने?
तो उसने सोचा अब आ गया हूँ, फंस गया हूँ, कहाँ इनसे मैं सलाह लेने आ गया कि शादी मुझे करना चाहिए नहीं करना चाहिए। ये क्या जवाब देंगे, इनको तो इतना ही सोच समझ नहीं है कि दिन में प्रकाश नहीं चाहिए, कैंडल नहीं चाहिए, दूध में चीनी डाली जाती है ना कि नमक डाला जाता है, तो सारा उल्टा पुल्टा काम कर रहे हैं और फिर इनसे सलाह लेने आ गया। चलो कोई बात नहीं। तो कबीर जी ने कहा कि ठीक है, तुम्हें आंसर में दे दिया मैंने, समझ गए तुम आंसर। बोले ये कैसा आंसर, अभी तो कोई बात ही नहीं हुई, आपने तो बात बहुत पी हूँ और लालटेन जगाने को कहा और कोई बात ही नहीं है। बोले नहीं, मैंने तुम्हारा आंसर दे दिया, देखो पत्नी ने हरकत की थी, दूध की जगह चीनी की जगह नमक डाल के लिया है, तो मैंने उसको कोई कंप्लेन नहीं किया कि तुमने ऐसा कैसे किया, उसको कुछ डांटा नहीं, सहन कर लिया चुपचाप उसकी हरकत को, है ना। मैंने उसको लालटेन जलाने को कहा तो उसने मुझसे कंप्लेन नहीं किया, जैसा कहा वैसा कर दिया उसने। तो जब इस तरह से कभी पत्नी गलती कर सकती है, कभी पति गलती कर सकता है, कि तो दोनों अगर एक दूसरे को टॉलरेट कर सकते हैं तो शादी करो, कोई दिक्कत नहीं, अन्यथा मुश्किल हो जाएगी, तो ये कहने का इतना ही मतलब है कि सहन शक्ति जिसमें होती है उस वो क्षमा भी कर सकता है, दूसरे की गलती को अपराध को भूल सकता है, उसकी मिस्टेक को ना बताएं, जरूरी नहीं हर टाइम आप मिस्टेक बताएं, ना भी बताएं तो अच्छा रहता है, ज्यादा मिस्टेक बताने लग जाते हैं तो फिर पत्नी भी कभी कभी मुखर हो जाती है। कहा जाता है कि नहीं शादी हुई थी और पत्नी को पति हमेशा हड़बड़ में ही रहता था, ऑफिस जाना है, जल्दी से चाय बना, जल्दी से भोजन बना, नहीं तो वो उसका एक तकिया कलाम एक सेंटेंस था। अब पति ने सोचा कि नहीं नहीं है तो अब तो जवाब देना तो अच्छा नहीं है, मेरा डिवोर्स हो जाएगा, बहुत मुश्किल हो जाएगी। पर कई दिन हुए, पूरा एक वर्ष निकल गया इस तरह से, हर समय पति चलो जल्दी से चाय लेके आओ 5 मिनट में, नहीं तो क्या, मैंने कहा क्या कर लेंगे, बोल तो सकते नहीं है, पूछ भी नहीं सकती पति से। अपनी फ्रेंड से कहा कि देखो मेरी बड़ी प्रॉब्लम है, मेरे हस्बैंड जो है ना बड़े शॉर्ट टेम्पर्ड नेचर के आदमी, उनको हर चीज तो बिल्कुल तत्काल में चाहिए, अब हर चीज तो 5 मिनट में तैयार नहीं होती है ना, तो क्या करे, वो नहीं तो कर दे, पता नहीं कभी थप्पड़ मार दे, कभी डिवोर्स कर दे, कभी क्या हो जाए। उसने कहा कोई बात नहीं, अब थोड़ा सा ना तुम्हें 1 साल हो गया, अब थोड़ा तरीके से कुछ अपने को भी टेकल करना जरूरी है, सामने वाले को बार बार मौका देते हैं परंतु वो नहीं सुधरता है, तो अपने को थोड़ा सा स्टैंड लेने की जरूरत है। तो उसने कहा कि क्या करना चाहिए बताइए, तो उसने कहा कि ऐसा करना जब तुम्हारे पति कहे कि नहीं तो पूछ लेना कि नहीं तो क्या क्या मतलब है, क्या आगे का क्या आपका एक्शन है, क्या प्लान है। तो वही हुआ, पति देव आए कि मुझे ऑफिस जाना है, मेरी मीटिंग है, अर्जेंट है, 5 मिनट में नहीं अभी तत्काल 2 मिनट के अंदर मुझे चाय चाहिए, नहीं तो पत्नी ने कहा नहीं तो, अब देखा पति ने कहा अब तो ये तो तेज हो गई है, तो बोले कि नहीं तो मैं बता सो कहने का इतना ही मतलब है कि कभी कभी टेकल करना पड़ता है सामने वाले को, बट अगर ज्यादा एक्सेस आप करोगे, किसी की मिस्टेक बार बार बताओगे या उसको बार बार प्रेशराइज करोगे कि मेरे ही हिसाब से सब कुछ करे, तो सामने वाला भी तो कोई वो नहीं मिट्टी का बना हुआ नहीं है ना, वो भी आपकी तरह ही है, उसका भी पास दिमाग है, उसकी भी सोच है, उसकी भी समझ है, उसकी भी कोई जरूरत हो सकती है, परिस्थिति हो सकती है, उसके साथ आपको एडजस्ट करके चलना जरूरी है। तो हमारे संबंधों को अच्छा बनाए रखने के लिए 3A का प्रिंसिपल फॉलो करना जरूरी है। 3A कौन सा, अहिंसा अनेकांता परिग्रह, एडजस्ट एक्सेप्टेंस एडजस्टमेंट एप्रिशिएशन, है ना, कि आप एक्सेप्ट करो, कभी कोई ने गलती कर दी तो एक्सेप्ट कर लो कि हो जाती है, गलती भी हो जाती है सपोज, या आपका किसी के साथ जो रिलेशन हो गया, जो हस्बैंड है वो तो हस्बैंड है ही, अब वो जिस भी नेचर के उसको एक्सेप्ट करो भाई, शादी हो गई है अब तो, पहले नहीं होती, वो होने से पहले सोचते, अब हो गई तब तो एक्सेप्ट करो उनको, जिस भी नेचर के एडजस्ट करो अपने आप को, अपने नेचर को थोड़ा बदल लो, उनके हिसाब से चल लो, तो आपस में डिस्प्यूट नहीं होगा, और अप्रिशिएट करो हस्बैंड में या वाइफ में, हमेशा गलती तो नहीं करते हैं ना, उनकी कुछ क्वालिटीज भी तो होती है, हम
आप उसको अप्रिशिएट करिए ताकि उसके मन में भी ये रहे कि हमेशा कमी नहीं निकालते बल्कि अच्छी चीज है, तो उसको अप्रिशिएट भी बहुत करते हैं। और यहाँ का तो एनवायरमेंट ही ऐसा है, अप्रिशिएट करने का ही नेचर है, फिर मिस्टेक दिखाने का तो नेचर ही नहीं है शायद लोगों का। दिखाते हो तो मुझे मालूम नहीं घर के अंदर क्या होता है, बट बाहर का वातावरण से ये लगता है कि लोग जो है यहाँ अप्रिशिएट ही करते हैं, किसी की कमी मिस्टेक नहीं निकालते। ये बहुत अच्छी बात है, हमको सीखना चाहिए इन सब चीजों को। इंडिया वालों से यही कहती हूँ, थोड़ा वेस्ट से सीखो, कुछ अच्छी चीजें सीखो, है ना। ये अच्छी नेचर है वहाँ के लोगों की। आपस में संबंध अच्छे बने रहते, तो कहने का इतना ही मतलब है कि हम जब तक सहन नहीं करेंगे दूसरे की मिस्टेक को ही हमेशा मिस्टेक नहीं बताएं, कभी कभी उसको भी जो है स्वीकार करने की हमारे अंदर अगर मानसिकता रहती है तो हमारे संबंधों में कहीं दुराव नहीं आते हैं, फिर क्षमा याचना करने की जरूरत भी नहीं होती है। और मिस्टेक अगर हो भी गई है और कुछ बात हो भी गई है तो उसको थोड़ा सा भूलने का भी अभ्यास करें ताकि बार बार उस तरह के विचार हमारे अंदर ना आए। तो भगवान ने ये कहा है कि जत्थेव पासे कई दुप्प उत्तम कायेन वाया अदुमान सेनम तथेव धीरो पड़िसा हरिज्जा आईन नौ खिप्पमिव खलीनम। इन्हें मनुष्य जब कभी ऐसा लगे कि मन से या वचन से या कर्म से कुछ ऐसा गलत उसके अंदर विचार आता है या उसका गलत व्यवहार होता है तो वो अपने आप पर नियंत्रण करने की कोशिश करे, उस व्यवहार को बार बार रिपीट ना करे, ठीक है ना। तो जिस तरह से आखेड़क घोड़ा होता है ना, एक बहुत अच्छे नस्ल का अच्छा ट्रेंड घोड़ा होता है, तो उस पर जैसे ही चाबुक थोड़ा सा सवार जो है वो उसको चाबुक को जैसे ही खींचता है घोड़ा अपने रास्ते पर आ जाता है, वो तुरंत नियंत्रित हो जाता है। तो वैसे ही हमारे मन को, हमारी वाणी को और हमारे व्यवहार को, कर्म को इस तरह से हम रखें कि हमारे से मिस्टेक हो सकती है परंतु तुरंत संभलने की टेंडेंसी भी हमारे अंदर होनी चाहिए, हम उस मिस्टेक को सेकेंड टाइम कम से कम रिपीट ना करें। तो इससे भी हमारे संबंधों को अच्छा बनाए रखना इजी हो जाता है और किसी तरह के मनमुटाव नहीं होते, संबंध खराब नहीं होते हैं, विचार और व्यवहार में कोई तरह का इस तरह का नेगेटिविटीज नहीं आती है। तो ये हमारे लिए बहुत जरूरी है, आज का ये पर्व इसीलिए बहुत महत्वपूर्ण है। और जैसा कि मैंने कहा कि दशा और दिशा को बदलने का ये पर्व है, हमारी दिशा भी बदलनी चाहिए, फिर हम जैसे हमेशा से चले आ रहे वैसे ही नहीं चलना चाहिए। हर वर्ष का एक नया अकाउंट क्रिएट इस मामले में कि हमें फ्यूचर में क्या करना है, अब किस तरह से हमें बदलना है अपने जीवन को, तो उस तरह का अगर हम प्लानिंग करते रहें तो जीवन में निरंतर विकास होता रहता है, जीवन हमेशा प्रोग्रेसिव रहता है, आगे से आगे बढ़ता रहता है। और आप हर वर्ष कम से कम एक ही संकल्प करें, ज्यादा ना करें, एक ही चीज को जिसको कि आपको लगता है कि इस चीज को मुझे फॉलो करना है इस ईयर के अंदर, तो ऐसा आप अगर एक एक चीज करते जाए तो लाइफ में कितनी क्वालिटीज आपके अंदर आ जाती है, जीवन कितना अच्छा बन जाता है, कितना स्मूथ और कितना बढ़िया हो जाता है। तो ये चीजें हम सीखते रहें, इन्हीं विचारों के साथ में आज के इस कार्यक्रम को हम संपन्न करते हैं।